सबसे पहले तो मैं लेट आने की माजर चाहता हूँ कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया था हमें, और अपने सहाफ़ी भाइयों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मेहरबानी से हमारी आवाज़ ऊपर जाती है। अगर आप हमारा साथ ना दें तो हमारी आवाज़ इसी कमरे के अंदर रह जानी है। आपको शायद याद हो कि सबका पीपल्स पार्टी के दौर में हमने एक ताजर मजदूर इंडस्ट्री इतिहाद बनाया था, और उसकी वजह से हमारी बिजली का मसला जितनी देर पीपल्स पार्टी रही है 4 घंटे और 6 घंटे की लोड शेडिंग रही थी, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। मगर आज हमने फिर ज़रूरत महसूस की है कि जो ताजर मजदूर इंडस्ट्री इतिहाद हमने उस वक्त बनाया था, आज हम महंगाई के ख़िलाफ़, यू टर्नों के ख़िलाफ़ और मुल्क में जो अफरा तफरी फैली हुई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उसके लिए हमने ताजर मजदूर इतिहाद जो है उसे बहाल कर दिया गया है, जिसके चेयरमैन मिर्ज़ा शफीक अहमद साहब होंगे, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मजर मलक साहब, हाजी आज़म मलक साहब, वाइस चेयरमैन चौधरी शाहिद नदीम साहब, जनरल सेक्रेटरी असलम महराज साहब, नायब सदर बाबा लतीफ इंसारी साहब, नायब सदर मिर्ज़ा मजर हुसैन साहब और जवेद शरीफ साहब, वो भी नायब सदर होंगे, वो लूम इंडस्ट्री उनकी है। तो ये हमने जो है इसलिए बनाया कि आपके मसाइल भी हल हों, हमारे भी हों और आवाम के मसले भी हल हों। मैं ये बताता चाहूँ कि हम ना किसी सियासी तंजीम से हमारा ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक सिर्फ आवाम के साथ, ताजरों के साथ, मजदूरों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। हमारे अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ जमातों के बंदे भी बैठे हुए हैं, मगर जब इस प्लेटफॉर्म पे आना है वो अपनी एफिलेशन जो है एक साइड पर रख देनी है हमने, और जो मुल्क और कौम के मफाद के लिए बेहतर होगा, मजदूरों के लिए बेहतर होगा और बाकी ताजरों के लिए इंडस्ट्रीज के बेहतर होगा, वो इकदाम हमने उठाना है। अब मिर्ज़ा शफीक साहब जो हैं वो आपको हमारा जो प्रोग्राम है और हमारे जो सीनियर वाइस चेयर हाजी आज़म साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी असलम महराज साहब हैं, ये आपको सारा जो हमने लाहे अमल बनाया है उसके मुतलक ये आपको इंशाल्लाह ताला सही तरीके से बताएंगे। मेरी एक आखिर में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए आपके भी वही मसाइल हैं, हमारे भी वही हैं, आप हमारे मसाइल को और अपने मसाइल को उजागर कर रहे हैं। मैं आप सबको मीडिया को और प्रिंट मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इस मकसद को के लिए अपने अपने टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया के में जो है हमारी आवाज़ और अपनी आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारे मसाइल हल हो सके। अब मिर्ज़ा शफीक साहब आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कोशिश की है कि ये ताजर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद जो बनाया है इसके अंदर फैसलाबाद की तमाम तंजीमों को दावत दी जाती है कि ये इस प्लेटफार्म में आप शामिल होकर महंगाई के खिलाफ और जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, टैक्सों का मसला है, इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि आप सोच नहीं सकते, मज़दूर भूखे मर रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जितने मिनिस्टर बैठे हैं वो सब यही कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में महंगाई ज़्यादा है। मेरा उनसे सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आप यूके में चले जाएं, एक मज़दूर 12,000 रुपया डेली बेसिस ले रहा है और हमारा मज़दूर 1,200 रुपया नहीं ले रहा,
तो आप उनके साथ हमारा मुकाबला कर रहे हैं। जब डॉलर, जब ये 142 रुपए बैरियर था पेट्रोल का रेट, ये नवाज शरीफ के दौर में और पीपल पार्टी के दौर में भी रहा, तो हमारे पेट्रोल का रेट 70 से 80 रुपए तक रहा, वो कैसे रहा? वो कागज़ उठा के देख लें, उन्होंने कैसे किया हुआ था। आप जितना बोझ सारा अपने खर्चे भी, आप कहते हैं कि हम खर्चे कर ही नहीं रहे, सारे खर्चे अवाम के ऊपर ही डाली जा रहे हैं, अवाम मर रही है। घी का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, आप आटे का रेट देख लें, और बिजली का रेट 2 रुपए 65 पैसे और एक मैं बात आपको और बता दूं कि 200 रुपया गैस का जिसका बिल आता था उसको अब 1800 रुपया आएगा, और समरी बेच दी गई है, इस पर भी सहन हो जाने हैं। और ये सारी चीज़ें जब इतनी ऊपर जा रही हैं तो लोगों के अंदर सक्कत नहीं रहेगी, तो जब लोग बाहर नहीं आएंगे तो फिर इससे भी ऊपर जाएगा। आज हमने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर आपको दावत दी है, मीडिया को भी, मजदूरों को भी, इंडस्ट्री ओनरों को भी और शहर के ताजरों को भी, कि सभी लोग आएँ इस प्लेटफार्म पे। हमने फैसलाबाद को जो 12 घंटे की लोड शेडिंग थी सिक्का साहब की सरपरस्ती में, हमने 4 घंटे इंडस्ट्री को और 6 घंटे शहर को करवा के दी। पूरे मुल्क में जितने जैसे भी हुआ मगर फैसलाबाद में उस पर अमल दरामद हुआ। तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि हमारा प्लेटफार्म जो है ये गैर सियासी है, इसमें तमाम सियासत जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं हर बंदे की वाबस्तगी किसी न किसी जमात से है, मगर हमारे प्लेटफार्म के ऊपर हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं। हुकूमत अगर पेट्रोल का रेट वापस लेती है तो हम अपनी घरों में वापस चले जाएंगे, हमारा कोई मुतालबा नहीं। बिजली का रेट वापस लेती है, ये महंगाई पे कंट्रोल करती है। मैं समझता हूँ एक तो महंगाई है, एक जो मसनूई है उसके ऊपर भी कंट्रोल इनके बंदों ने करना है। कोई बंदा पूछने वाला नहीं है अपने दफ्तरों से, डिप्टी कमिश्नर साहब दूसरे कोई दफ्तर से निकलना पसंद ही नहीं करता। वो हमने तो नहीं उनको रोकना, हमने तो उनका चलान नहीं करना। वो मसनूई महंगाई भी इनकी पैदा की हुई है, और जो महंगाई का तूफान खड़ा है वो भी इनकी लापरवाही से हुआ है। ये सारा सिस्टम आप डॉलर देख ले, पूरी दुनिया में इस तरह ऊपर नहीं जा रहा जिस तरह पाकिस्तान में जा रहा है। हमारे से पीछे जो मुल्क थे वो आगे निकल गए हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन और करप्शन में भी महंगाई चौथे नंबर और चौथे नंबर पे महंगाई में जो आप 12वें 14वें नंबर पे थे, आप कहाँ पे पहुँच गए हैं? 4 नंबर पे और 4 नंबर पे आ गए हैं। ऐसी सूरत हाल में मुकाबला बड़ा मुश्किल है। इस वक्त सूरत हाल गुरबत में इतना ज़्यादा इजाफा है कि आप रोडों के ऊपर देख लें, एक आधा बंदा मांगने वाला खड़ा होता था, आप 10-10 खड़े होते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। और जितने मैं समझता हूँ कि हमारे MNA MPA साहबान हैं वो सब अच्छा की अगर रिपोर्ट दे रहे हैं, वो समझ लें कि वो भी खुदा के देनदार होंगे। वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। हम समझते हैं कि अगर सही काम हो रहा है तो फिर उसको सही कहना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो उसकी निशानदेही ज़रूर करनी चाहिए। मगर आज हम इस जगह पे इकट्ठे इसलिए हैं कि हमारे मजदूरों के, इंडस्ट्री ओनरों के, ताजरों के बस से बाहर बात हो गई है। हम और यहाँ पे इसलिए आए हैं, और हमने ऐलान किया है कि 27 तारीख को इस प्लेटफार्म से, ज़िला कौंसिल से मजदूर, इंडस्ट्री ओनर, ताजर रैली लेकर ज़िला कौंसिल से घंटाघर आएंगे, और घंटाघर में कैंप लगेगा, वहाँ पे खिताब होगा। और जो भी हुकूमत से हमारा मुतालबा है अगर पूरा ना हुआ तो फिर उसका लायअमल हम कैंप के अंदर 27 तारीख को अगला लायअमल का ऐलान करेंगे। सिक्का साहब कुछ बात करना चाहते हो? मैं आपको ये बताऊं, हमने बड़ी सोच विचार के साथ ये दोबारा इस महाल को हमने बहाल किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट से और मजदूरों से सोशल सिक्योरिटी ली जा रही है। फैसलाबाद के लोगों की जो मजदूर हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी 2 अरब 25 करोड़ रुपया ये इन्हें पे नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ इनको इसका नाका लगा दिया इन्होंने कि वो इन्हें नहीं दे रहे। गवर्नमेंट का अगर कोई ड्यू हो वो उसमें सरचार्ज वसूल करते हैं। क्या ये मजदूर वो सरचार्ज जो उन पर लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट पे या जो पेमेंट हम बिजली का बिल लेट करते हैं, इनको सरचार्ज नहीं मिलना चाहिए क्या? बात
इनकी आवाज पे मेरा ख्याल है दो दिन पहले उन्होंने 1 लाख कितने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के ड्यूज उन्होंने लोगों को तकसीम किए हैं। हमारी जंग अब उस वक्त तक रहेगी जब तक इन मजदूरों का 2.25 अरब रुपया गवर्नमेंट नहीं देती। हम इनके साथ खाना बचाना इनके रहेंगे। और मैं एक बात और आपको बताता चलूं जो हमारी FBR में हुई है ताजरों के हवाले से। हमें फ़ोन करके एतवार वाले दिन बुलाया गया, यानी हफ्ते को हमें फ़ोन किया गया कि आप 11 बजे इस्लामाबाद FBR में पहुँचें। वहाँ हम पहुँचे, घंटा हम बैठ के वेट उनका करते रहे। फिर वो कैसर इकबाल साहब मेंबर हैं वो आए, कहने लगे जी जल्दी जल्दी बात करें, मैंने और मीटिंग में जाना है। मैंने उन्हें जवाब दिया सर हम 6 बजे फैसलाबाद से निकले हैं, आपकी खातर हम यहाँ आए हैं, आप भी छुट्टी वाले दिन आए हैं, अगर आप हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम बाइकॉट करके चले जाते हैं। उन्होंने फिर हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए। अलमिया हमारे साथ ये है कि जिस वक्त हम किसी से मुज़ाकरात करके आते हैं 4th दिन वज़ीरे ख़ज़ाना तब्दील कर दिया जाता है, या वो अफसर जिसके साथ हम मुज़ाकरात करके आते हैं उसे तब्दील कर दिया जाता है। मैंने उन्हें कहा है कि आप हमें 5 साल की कोई ऐसी पॉलिसी दे दें जिस पे आप भी मुत्तफिक हो, हम भी मुत्तफिक हो, आप रोज़ रोज़ हमें ना छेड़ें, हमारे घर इसमें हमें मज़दूरों के साथ साथ हमारे घरों में भी फाके आ रहे हैं, हम 2-2.5 साल से अपनी रात खा रहे हैं और हमारे अंदर और बर्दाश्त नहीं है कि हम इसे बर्दाश्त कर सकें। तो ये गुजारिश है हमारी। तो और मेरा ख्याल जनरल शक्ति साहब अफसर मिराज साहब इधर आ गए, आप आज हम ताजर मजदूर इंडस्ट्री इतिहाद के प्लेटफार्म से फैसलाबाद के अंदर जो है एक इंतहाई अहम मौजू पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस पर मिर्जा शफीक साहब और शाहजाद सिक्का साहब और महमूद आलम जट साहब, शाह चौधरी शाह नदीम साहब और बाबा लतीफ़ अंसारी साहब, हाजी मलिक आज़म साहब और दीगर हमारे दोस्त मदर हुसैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम एक इंतहाई अहम इशू पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि महंगाई जो रोज़ बरोज़ बेलगाम और होशरबा इजाफी महंगाई जो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही, उसने गरीब आदमी कुछ कमर तो तोड़ कर रख ही दी है। इसके साथ साथ जो छोटे ताजरान हैं, ये पावर लूम जो कि फैसलाबाद एक मैनचेस्टर है, सनती शहर है, यहाँ की सबसे बड़ी सनत जो है वो पावर लूम है। इसके साथ वाबस्ता कमोबेश 4 लाख के करीब मजदूर हैं वाबस्ता हैं। इसी तरह साइजिंग इंडस्ट्री है, ये छोटी इंडस्ट्री में आता है, इसके साथ मजदूरों का एक बहुत बड़ी तादाद में जो है रोज़गार वाबस्ता है। मगर हुकूमत की मौजूदा जो है वो नाकस मुआशी पॉलिसियाँ और उनके अंदर कोई तसलसल नहीं है। आए रोज़ धागे की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, इनका खाम माल है जो PVA है, स्टार्ज है, उसके अंदर इसके लिए अपनी इंडस्ट्री को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। और पिछले दिनों तो मज़दूरों को ये कहा गया कि हम हफ्ते में 2-3 दिन जो है वो हम इंडस्ट्री बंद करेंगे। यानी इस बढ़ती हुई महंगाई के असरात से ना सिर्फ गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, गरीब आदमी के अंदर इज़तराब है, परेशानी है, बेचैनी है और उसके चेहरों पर सवाए खुशियों के हुकूमत का काम है लोगों को खुशियाँ दे, उनको रिलीफ दे, उनको मसलसल इस तरह की पॉलिसियों के साथ रोशनास करवाया जा रहा है कि उनके चेहरों की खुशियाँ इन्होंने छीन ली हैं। और फिर अगर इंडस्ट्री बंद होती है तो लाल मोहल्ला मज़दूरों के चूल्हे भी बंद होंगे और इससे जो है मज़ीद एक बेचैनी और इज़तराब फैलेगा। मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो बहुत बुलंद बांग दावे किए थे कि हम मदीना की तर्ज की एक रियासत बनाएंगे जहाँ रोज़गार होगा, खुशहाली होगी, गरीब आवाम का मुराल बुलंद करेंगे, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करेंगे, सनतें जो हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी मसलसल नाकस और गलत पॉलिसियों और IMF की नाजायज़ शराइत जिसके तहत आए रोज़ भरमार टैक्सेस की में इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, अद्वियात और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा
और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस तरह उसके अंदर इतना इजाफा कर दिया किया जा रहा है कि गरीब आदमी का जो जीना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता रहा है। तंग आमद बजांग आमद, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आएँ, और सड़कों पर आना कोई आसान नहीं है, लेकिन जब हुक्मरान जो है वो गरीब आवाम की ताजरों की इंडस्ट्रीज की बात ना सुने तो फिर मजबूरन सड़कों पर आकर अपने मसाइल को उजागर करना पड़ता है, हुकूमत की तवज्जो जो उस तरफ दिलाना पड़ती है। हम हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आपने जो पिछले एक माह से मसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है, बिजली के रेट बढ़ाए हैं, और रॉ मटेरियल जो छोटी इंडस्ट्री को मयसर है, घी बिल्कुल ख़ास तौर पर घी जिसकी निशानदेही शाह जखर साहब की है, उसकी कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आज के हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी इस मुआशी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। कर्ज़े हमने नहीं लिए, ना मेरे साथ बैठे मेरे छोटे ताजरों ने लिए हैं, ना मुल्क को इस नहज तक हमने पहुँचाया है, इसलिए जिन्होंने पहुँचाया है उनसे वो रकम वापस लें और लोगों को जो है आम आदमी को रिलीफ दें, और जो हालिया इन्होंने पिछले दिनों में जो मसलसल कीमतें बढ़ाई हैं इन चीज़ों की वो फौरी तौर पर उनको वापस ले और उन कीमतों के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी लाए और अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको पाबंद करे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत जो है 10 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ाती है तो अगले दिन ही जो है वो ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो जाता है, सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, दालों के रेट बढ़ जाते हैं, घी के रेट बढ़ जाते हैं, गोश्त जो है वो वैसे ही गरीब आदमी पहुँच से दूर है 1400 रुपये इस वक्त गोश्त बिक रहा है, जो अभी 1.5 माह पहले जो है 1000 रुपये 1100 रुपये था, और इसी तरह ये घी की कीमत जो है उसको देख लें। तो हमारा हुकूमत से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा है कि खुदारा अपनी पुलिस मुआशी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, अपनी जो एक वज़ीरों की फौज जफर मौज है उनको अपने बैठाएँ, उनको टास्क दें और ब्यूरोक्रेसी को काम पर लगाएँ और वो कीमतों को चेक करें, और हुकूमत जो है इसके अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको एक्टिव करें और लोगों को इस जो है अजाब से निकाले, जो महंगाई का जो मसलसल बम उन पर गिराए जाएँ उसको वापस लें। और इंशाल्लाह हम 27 तारीख को हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए फैसलाबाद में एक तारीखी, इससे कबल हमने सन 2010 में जब बिजली की लोड शेडिंग इस हद तक चली गई थी कि ये इंडस्ट्री बंद तकरीबन हो चुकी थी, घरों के अंदर अंधेरे थे, तो उस वजह भी हमने शाहरज़ाक सक्का साहब की क़यादत में, मिर्ज़ा शफीक साहब की क़यादत में, हाजी मलिक आज़म साहब की क़यादत में और दीगर हमारे दोस्त जो हैं ताजरान बैठे हुए इनकी क़यादत में मज़दूरों को साथ मिलाकर हमने एक बहुत बड़ा जो एहतजाज किया था। फिर यहाँ पर उसी फ़ौरन जो हैं वो इंडस्ट्री मिनिस्टर और दूसरे जो पानी बिजली के फाकी वज़ीर राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, उन्हें नोटिस लिया, यहाँ आए और हमारी बात सुनी गई। हम मौजूदा हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि उस नहज पर हालात ना ले जाएं कि पूरा शहर जो है वो बाहर हो, और शहरों के बाद अगर आप बात ना सुने तो पंजाब के अंदर ये तहरीक फैलती चले जाए। खुदारा फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और जो आपने महंगाई बेताशा कर रखी है कीमतों को दोबारा जो अपनी असल कीमत पर लाएं और गरीब को जीने का हक दें और इंडस्ट्री का पहिया जो है वो चलने दें, ताजरों का जो छोटे छोटे कारोबार हैं उन कारोबार को चलने दें, क्योंकि ये कारोबार की का पहिया चलेगा, सनत का पहिया चलेगा तो मजदूर का झूला जलेगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया सारे साथियों का। मैं आखिर पे यही कहना चाहूँगा कि सुर दी सुई प्रेम दे तागे पेवंद लगे सतरंगे, कहे हुसैन फकीर साईं दा तख्त न मिल दे मंगे। दोस्तों साथियों, आज हमसे रोटी छीन ली गई है, हमसे रोज़गार छीन लिया गया है, तो हमने तंग आमद बजंग आमद फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को फैसलाबाद की तमाम पावर लूम इंडस्ट्री बंद करके भट्टा जात पे जो हमारी ख़वातीन और मज़दूर काम करते हैं वो भी भट्टा जात से तमाम जो हमारे काफ़िले हैं वो ज़िला कौंसल चौक की तरफ रवा दवा होंगे। ज़िला कौंसल चौक पर 3 बजे सैजंग इंडस्ट्री, पावर लूम इंडस्ट्री, हमारे साथ तुलबा होंगे, लेबर कौमी मूवमेंट के साथ साथ जो छोटे ताजर हैं अपनी अपनी रैलियों की शक्ल में 3 बजे ज़िला कौंसल चौक से घंटा घर तक हमारा एहतजाजी मार्च होगा तारीख की बदतरीन महंगाई के खिलाफ। और जो हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं इंडस्ट्रियों ताजरों को तबाही के दहाने पर, पावर लूम इंडस्ट्री फैसलाबाद की तबाही के दहाने पर, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल से हम 2 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद करने जा रहे हैं। और इसी तरह सैजंग इंडस्ट्री है, उनकी जो 3 शिफ्टें चलती थी वो 2 शिफ्टें या 1 शिफ्ट चल रही है। इसी तरह टेक्सटाइल के डाइंग प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के जो हमारे यूनिट हैं
उनमें भी सिर्फ दो शिफ्टें या एक शिफ्ट चल रही है 8 घंटे की, बाकी मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया है। इस बेरोजगारी के खिलाफ ताजर मजदूर इंडस्ट्री इतिहाद के प्लेटफार्म के साथ साथ हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ उस दिन होंगे और बाकी तमाम इंडस्ट्री के मजदूर जो हैं ताजर हैं और साइजिंग इंडस्ट्री के वर्कर जो हैं वो जिला कौंसिल चौक पर पहुंचेंगे और इंशाल्लाह वहां पर हमने आइंदा के लायमल का ऐलान किया जाएगा कैंप के अंदर, क्योंकि हम ये तहरीक सिर्फ फैसलाबाद में नहीं रखेंगे, इस तहरीक को पूरे पंजाब के अंदर चलाने के लिए जा रहे हैं। तो उस दिन तहरीक का आगाज फैसलाबाद के जिला कौंसिल चौक से इत्तेजाजी मार्च की शक्ल में किया जाएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं सिर्फ एक ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी तंजीमें हैं शहर के अंदर, हमारे किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं। ये इशू ऐसा है, हर आदमी इस महंगाई की चक्की में फिस रहा है और पूरे शहर की तंजीमों को दावत है कि आप हमारे प्लेटफार्म पे आके इकट्ठे होके आवाज़ उठाएं ताकि हर किसी का भला हो सके, उसमें बेहतरी आ सके। और हुकूमत ने आज तक जितने कर्जे लिए हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है, वो कहाँ पे लगे, किस जगह पे लगे, उसको भी हुकूमत को क्लियर करना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं, डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो लोग कह रहे हैं सब अच्छा है, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। कुछ लोग फैसलाबाद से भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पिछले 70 साल में इतने पैसे नहीं कमाए जितने पिछले 8 माह में कमाए, वो 20% लोग हैं, 80% लोग इस शहर के, क्या वो मर जाएं? उनके पास रोटी नहीं है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। हमारा दुकानदार जाके देख लें, शाम को अपनी रोटी कमा के नहीं लेके जा सकता ताजर, तो हम ऐसे लोगों को क्या करें? मैं समझता हूँ जो ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं वो अपनी जबानों को लगाम दें और अपने आप में रहें। जो तुमने कमा लिया है ठीक है, मगर हमारे जो हालात 80% लोगों के हैं उनके आप जख्मों पर नमक ना छिड़कें। और हालात जो हैं वो हम बाहर आए हैं, मजबूरी के तहत बाहर आए हैं, हमें जैसे उन्होंने बताया कोई शौक नहीं है। जब ये हमारे मुतालबात पूरे होंगे और ये पेट्रोल का रेट वापस होगा तो हम कोई रैली नहीं निकालेंगे, हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। आज जो बाहर आए हैं 2.25 अरब रुपए मजदूरों से वापस, और मजदूरों को भी जो पैसे इनके पास पड़े हुए हैं उनको उठा के आप रोडों पर लगा रहे हैं, मजदूर बेचारे धक्के खा रहे हैं। और पिछले दिनों ये मजदूरों के बच्चे जो बेचारे गाड़ियों में जाते थे वो बंद कर दी, और जो अब रही एक 200 रुपए से 1800 रुपए तक वो गैस वाला जो इन्होंने भेजी है समरी, उसको फौरी कैंसिल किया जाए। वो कोई गरीब आदमी, आप किसी गरीब आदमी का गैस का बिल देख लें, वो 200 रुपए से ज़्यादा होता ही नहीं है, अब वो 1800 रुपए किधर से देगा? कौन सी आप मजदूरों को क्या इतनी आपने रेल पेल कर दी, दूध की नहरें चला दी हैं जो इतनी महंगाई कर दी है? अगर इस पर कंट्रोल ना हुआ तो इंशाल्लाह आपको हम बता दें कि 27 तारीख के बाद सख्त लयामल होगा। हम पुरअमन रहना चाहते हैं और इंशाल्लाह 27 तारीख को पुरअमन ही रैली निकलेगी, पुरअमन ही जुलूस होगा, पुरअमन ही कैंप होगा। अगर किसी ने मुदाखलत की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हाँ जी बिल्कुल, आप ये बताएं कि आपने एफडीआर के डिजिटल टैक्स ऑफिस से लेकर इस्लामाबाद तक आपने मुजाकरा किया। हाँ जी, आपका मकसद ये था कि रिलीफ मिले जी, अखबार के रोज आपके साथ उन्होंने मुजाकरा भी किए, सम्राट कहाँ है? एक बात है, एक बात को ग्रैंड देना चाहूँगा कि आपका रिवायती महंगाई नहीं है, आप माफिया से आपकी लड़ाई है। अगर आपका इस्लामाबाद वाला शुल्क आपके साथ यहाँ होता है तो फिर आप कहाँ करेंगे? देखिए जी, बात ये है, वादे वईद हमारे साथ बहुत किए गए और जो कैसर इकबाल साहब हैं उन्हें मैंने ज़बरदस्ती प्रेस ब्रीफिंग में बिठाया था कि हमारे साथ आके बैठे। एफबीआर की वेबसाइट पे जो हमारे मुज़ाकरात हुए आज भी उठा के देख लें, वो हैं और ट्विटर पे भी हैं, मगर वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है वो हमें नहीं समझ लग रही। आज वो हम करके आए हैं, कल हम फिर मुज़ाकरात के लिए जाएं तो वो नवा बंदा बैठा हुआ, फिर ABC से हम शुरू करें। हमें एक दफ़ा वो बता दें, अगर पेट्रोल भी जैसे है उन्होंने महंगा करना, यार एक दफ़ा बता दें कि हमने 200 रुपये करना है या 250 रुपये करना है, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपनी कॉस्टिंग करके उसके मुताबिक चले और मज़दूर की जो तनख्वाह है
कम से कम अनस्टेट लेबल जो है उसकी 25 से 30 हज़ार हो, तब ये थोड़ा सा इन्हें को रिलीफ मिलता है, या महंगाई को कम कर दें या इनकी सैलरीज बढ़ा दें। मुझे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफा बने तो वो वाकई याद आ गया, तो वो कपड़े का काम करते थे, सहाबा कराम ने उन्हें कहा कि अब आप कारोबार नहीं करेंगे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप दुकान बंद कर दो, उन्होंने दुकान बंद कर दी। अब ये बात आई, कहने लगे आपस में हुई कि या इनका क्या वजीफा मुकर्रा किया जाए, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक मजदूर की जितनी तनख्वाह है वही मैं मामला लूँगा। तो सहाबा कराम ने क्या कहा, क्या आपका उसमें गुजारा हो जाएगा? उन्होंने कहा अगर गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ये हम है मदीना, रियासत मदीना की बातें, ये क्या कर रहे हैं? जी देखें जी, माजी में भी अगर हम नज़र दौड़ा के देख लें ना, जो हमने कामयाबियां अल्लाह ताला ने हमें दी है वो इस ताजर मजदूर इंडस्ट्री इतिहाद से दी है। अगर उन्होंने हमारे साथ चलना हुआ वेल एंड गुड, नहीं तो हम तो अपना इत्तेजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हमें तो इसमें कोई नहीं रोक सकता। जी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज से कोई तकरीबन 8 साल पहले की बात है, मौलाना तारक जमील साहब एक बयान कर रहे थे, तो उनके एक दोस्त हैं एसपी, उन्होंने उनसे सवाल किया यार मेरे तो 10-15 दिन में ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जो बंदा 50,000 रुपये महीना तनख्वाह अगर ले रहा है उस पर भी ज़कात लगती है इस दौर में। तो ये देखें, घर का बजट जो है वो लोग मजदूरों ने अपना बनाना है, हमने अपना बनाना है, मगर ज्यादती जो हो रही है वो मजदूरों के साथ हो रही है छोटे तरह। नहीं, मुतालबा देखें वो हम करें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि अगर हम 50-60 हज़ार रुपये, नहीं एक मिनट बात सुन रही, कल अगर 50-60 हज़ार रुपये कर देते हैं तो महंगाई का एक नया जो तूफान आना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने आखिर अपने रेट बढ़ा के वो करना है। हमें चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान महंगाई में 4th नंबर पे है पूरी दुनिया में। अब इंडिया को देख लें, हमारा 1 रुपये उनका 2 रुपया, हमारा 1 रुपया है, तो डबल उनकी करेंसी है। तो अगर गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान करती है मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ये शाह के वफादार जो होते हैं, शाह से ज़्यादा वफादार बनते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं, मजदूर का नहीं देखते या इंडस्ट्रीज का नहीं देखते हैं। देखें जी, मेरी आज सुबह भी उनसे बात हुई है, जो करते डरता हैं स्माल चैम्बर के मियां जफर साहब, शफीक अजम साहब, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की है कि यार आप 26 की बजाय आप भी 27 को हमारे साथ ही करें ताकि हमारा वजन बढ़े। देखिए इंशाल्लाह ताला आज रात के कल तक वो हमारा इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, वो 26 की बजाय वो 27 कर लेंगे। अगर उन्होंने ना किया तो मैं मजदूरों को कहूँगा कि वो 27 की बजाय 26 को कर लें।
ताकि हमारा मसला ही हल हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ये महंगाई जो है ये इशू हमारे अकेले का नहीं, सबका है। तो हम में जो भी कहेगा, जो भी तंजीम कहेगी आप ऐसे कर लें, इसको ख़त्म करने के लिए हम उसका कहना मानने के पाबंद होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जी मैंने पहले मैंने शफीक साहब ने सब ने ये कहा है कि यकीन कर लें खुदा की कसम इसमें कोई सियासी एलिमेंट नहीं है, ये सर्वाइवल का मामला है। आप देखें एक हफ्ते में डॉलर कहाँ से कहाँ, आज डॉलर फिर 63 पैसे बढ़ के 174.30 रुपये में आ गया ऑफिशियल रेट, मार्केट में चले गए 176 रुपये है। बात यह है कि जब हमने मरना ही है तो एक दफ़ा मर जाते हैं भाई, अगर वो चैम्बर में और एप्टमा ये वो बड़े बैठे हैं उनकी एक्सपोर्टें हैं, उन्हें तो बल्कि फ़ायदा हो रहा है कि जो उन्हें रेमिटेंस आ रही है उसमें उनका जब 152 रुपये उन्होंने सौदा किया हुआ 176 रुपये आ रहे हैं, वो तो जिस तरह कल गवर्नर स्टेटमेंट कह रहा था उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है, उन्होंने हमारे साथ कहा है वो तो अपनी जेब में भर रहे हैं।